जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद ना रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बददुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वह इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना कह दे कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो तो वह आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो जरूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हो। आपसे नफरत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे नफरत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो इससे अच्छा तो यह है आप उससे दूर हो जाओ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वह ज्यादा समय नहीं रहेगी। शक्ल सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि कोई इंसान चरित्र से ही गिरा हुआ है तो। जिंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई भी ना आ सके। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ करना, ऐ खुदा मुझसे कुछ लोग माफ नहीं किए जाएंगे। गोली से तो शरीर जख्मी हो होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी हो है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए हैं। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वो कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से दो कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में 100 मिले दुख में मिलाना, एक साथ कष्ट में जो खड़ा साथी वही है नेक। आज के युग में हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो दो कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धार वाला हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अच्छे काम करते रहिए चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना होता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल लोग
एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलत फहमियां को सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल, चाहना तो हर किसी को आता है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि खुद की वजह से ही खराब होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो किन्नर भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती है। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरुपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में लगभग लोग एक ऐसे पिंजरे में कैद है और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराए लगेंगे, इसलिए मन में यह वह ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता।
अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने में लग जाती है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब लिए हुए गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी चार दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या? जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? क्योंकि इस जिंदगी का एक कड़वा सच है और वह है मृत्यु। इसीलिए हर किसी को कभी ना कभी तो मौत का सामना करना ही पड़ेगा। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अगर माता पिता कोई रिश्ता तय कर देते हैं और उसमें कोई धोखा या गड़बड़ हो जाती है तो कहते हैं कि बेटी का किस्मत है। लेकिन अगर वही शादी बेटी की खुद की मर्जी से होती है और उसमें धोखा होता है तो कहते हैं कि इसने हमारी बात नहीं मानी, इसी का नतीजा है। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग मुंह पर, आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त नहीं बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहां बुरो साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर हो होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता निभाते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत खराब करते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़कर रखना है? रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं वह बहुत खुश होते हैं कि आज हमने इसके साथ ऐसा किया है, पर उन्हें यह नहीं पता कि कल यही सब लौटकर आपके पास आएगा। चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लेना, पर आप बच नहीं सकते। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। अरे, कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो तारीफ ही नसीब होती है। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो
तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें भी अच्छा ना लगे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने माना। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी बहुत लोगों के मौन रहने के कारण ही हुआ था। क्योंकि महाभारत में उस सभा में अगर बुजुर्ग लोग बोल लेते हैं और द्रौपदी का अपमान नहीं होने देते तो महाभारत कैसे होती। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे हैं, कहीं भी फिट हो जाने को। लाइफ सेट होना उसे नहीं कहते, जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं है। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर जोरदार मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शर्त इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ थामता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभाल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है।
इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनाना सिखाता है। बस यही फर्क है, हम दोनों में वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन अलग सब अपनी मर्जी से होते हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं, और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां हंस देते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य से। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो साथ नहीं निभाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो,
हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है, जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है। स्मरण रखिएगा, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरती तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।